तो मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल क्रिकेट घातक में एक नई न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सभी देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों। कहने का मतलब ये है कि जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस फॉर्मेट के इतिहास में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, इसे पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसे एक एक करके सभी के सभी देशों की बात करते हैं और जल्दी से पता कर लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सभी के सभी देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं जिम्बाब्वे से। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए श्रीलंका के मार्वन अट्टापट्टू ने। मार्वन अट्टापट्टू सर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 95.41 की एवरेज से कुल 1145 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 5 शतक भी है। साथ ही इनका जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 249 रन का। और साथ ही भाई मार्वन अट्टापट्टू सर श्रीलंका के एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 1000 या 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के आज तक के एकमात्र बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ जिम्बाब्वे के बाद अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाई है इंडिया के राहुल द्रविड़ सर। राहुल द्रविड़ सर ने टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 63.80 की एवरेज से कुल 1659 रन बनाए। इसमें इनके नाम 6 अर्धशतक और 6 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेस्ट स्कोर 222 रन का है। और साथ ही भाई क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ सर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रनों के साथ साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन तेंदुलकर सर। सचिन तेंदुलकर सर ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47.72 की एवरेज से कुल 1741 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 5 अर्धशतक और 7 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेस्ट स्कोर 169 रन का है। और साथ ही भाई अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर को शायद साउथ अफ्रीका की टीम कुछ ज्यादा ही भाती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों के साथ साथ इन्होंने ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का पहला दोहरा शतक भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही लगाया। तो चलिए भाई, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देशों में से एक यानी बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए श्रीलंका के कुमार संगकारा सर। कुमार संगकारा सर ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 95.57 की एवरेज से कुल 1816 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 7 अर्धशतक और 7 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ बेस्ट स्कोर 319 रन का है। और साथ ही भाई कुमार संगकारा सर का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी टीम के खिलाफ आया था और ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए पाकिस्तान के यूनिस खान सर। यूनिस खान सर ने टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ कुल 29 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51.95 की एवरेज से कुल 2286 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 6 अर्धशतक और 8 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट स्कोर 313 रन का है और ये 313 रन का स्कोर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यूनिस खान सर का सबसे बेस्ट स्कोर और ये ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के दूसरे बल्लेबाज बने। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और श्रीलंका के बाद अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इंडिया के सुनील गवास्कर सर। सुनील गवास्कर सर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुल 27 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 65.45 की एवरेज से कुल 2749 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 7 अर्धशतक और 13 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेस्ट स्कोर 236 रन का है। और साथ ही भाई उस जमाने में लेजेंडरी वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ बैटिंग करना ही एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन उस जमाने
जमाने में इतने सारे रन बनाने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज तक सुनील गावस्कर सर के नाम। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाई है इंग्लैंड के जैक हबसन। जैक हबसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 41 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 54.26 की एवरेज से कुल 3,636 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 15 अर्धशतक और 12 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेस्ट स्कोर 187 रन का है। और साथ ही भाई 3,636 रनों के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक भी लगाए। तो चलिए भाई, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और ऑस्ट्रेलिया के बाद जल्दी से बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए श्रीलंका के कुमार संगकारा सर ने। कुमार संगकारा सर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 23 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 74.64 की एवरेज से कुल 2,911 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 12 अर्धशतक और 10 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट स्कोर 230 रन का है। और साथ ही भाइयों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन कुमार संगकारा सर ने बनाए तो वो पाकिस्तान की टीम है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी पूरी दुनिया में अपने नाम कर रखा है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रैडमैन सर। डोनाल्ड ब्रैडमैन सर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 37 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 89.78 की एवरेज से कुल 5,028 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 12 अर्धशतक और 19 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के खिलाफ बेस्ट स्कोर 334 रन का है। और साथ ही भाइयों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन और शतक अगर किसी बल्लेबाज ने बनाए तो वो डोनाल्ड ब्रैडमैन सर ही है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5,028 रन और 19 शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और अब बात कर लेते हैं अपनी टीम इंडिया की। तो इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाई है ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग सन। रिकी पोंटिंग सन ने अपने टेस्ट करियर में इंडिया के खिलाफ कुल 29 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 54.36 की एवरेज से कुल 2,555 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 12 अर्धशतक और 8 शतक भी हैं। साथ ही इनका टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ बेस्ट स्कोर 257 रन का है। और साथ ही भाई, रिकी पोंटिंग सर के इस रिकॉर्ड के बहुत करीब है इंग्लैंड के जो रूट सर, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अब तक टेस्ट में कुल 2,526 रन बनाए और रिकी पोंटिंग सर के इस रिकॉर्ड से मात्र 19 रन दूर है, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली गई अगली टेस्ट सीरीज में जो रूट सर इस रिकॉर्ड को बहुत ही आराम से अपने नाम कर ली। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सभी देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। और साथ ही भाई, सच्ची बताना दिल से, आपने इस वीडियो के अंदर किस बल्लेबाज को मिस किया, मैंने किसको किया? चलो मैं भी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दूंगा। आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बल्लेबाज का नाम जरूर बताना जिसको आपने इस वीडियो के अंदर मिस किया। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।